तो आसम, आपको यहाँ घूम के कैसा लगा वाकई में? यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगा है। जो हम लोग का तरफ में नहीं है वो सब यहाँ पे पूरा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। सही बोला एकदम। और ट्रेडिशनल जो घर सर, यहाँ का लिविंग स्टाइल बहुत बढ़िया लगा है देख के। बस्ती भी व्यू जो है बहुत नज़ारा, बहुत मज़ा है, सब घूमने यहाँ पे आ सकते हैं। आपको कैसा लगा भैया? काफ़ी बढ़िया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, बहुत सुंदर है। जितने भी लेंजिंग के व्यूवर्स है, प्लीज़ विजिट करने के लिए कोशिश कीजिए। वक्का वक्का लॉन्गडिन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत सुंदर है। आप यहाँ आके थोड़ा भी नहीं बोला कि हम गलती कर दिया, खुशी खुशी यहाँ से वापस जाएगा। तो सर थैंक यू सो मच आपको, मतलब ना अगर आप नहीं होते तो अभी हमें रहने के लिए जगह भी नहीं मिलता, खूबसूरत विलेज भी देखने को नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो लोग हैं वो लोग एकदम खुशी खुशी, सब लोग गांव के लोग, वाका के लोग मिलजुल के साथ में अच्छे से रहे, एक दूसरे को हेल्प करके। यही मेरी और हम सब की दुआ है। थैंक यू। तो गाइस अभी हम थोड़ा इसको भी बहुत देख के बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं थोड़ा बाइक में घुमाऊँगा, उसके बाद ये खुद पकड़ रहा है कैमरे को, हेलो, उसके बाद मैं जाऊँगा गाका घूमेंगे आज हम लोग ना। हेलो अभी हाँ हाँ जाए चलाने बोल रहे। तो एक्चुअली ये मुझे बाइक चलाने के लिए बोल रहे हैं, ये चाहता है कि मैं बाइक चला के इनको घुमाऊं करके ना। अभी इसको मतलब बाइक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये चल भी नहीं सकता है पर रेंग के जाता है, फिर भी इसको बाइक में बहुत इंटरेस्ट है, बड़ा होकर एक राइडर बनेगा शायद ना। और आज का कंटेंट क्या होने वाला है, क्योंकि पूरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब घूमेंगे वक्का पे जो जितना भी व्यू पॉइंट्स है, और कुछ कुछ जगह पे वो सरप्राइज रहेगा, कुछ कुछ जगह पे ले जाऊंगा, चले मिलते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा अपने भैया से, पहले भी आप इनसे मिल चुके हो, बट पहले इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया था, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल था, तो मैं भी बोलता था इनको कि करो करो करके, तो फाइनली मेरे कहने पे इन्होंने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। ओके, मेरा नाम है तंगबंग बंगयांग। हाँ? और मैं नुक्ते सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ? और मैं लेंजिंग से इंस्पायर होकर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ पर जो है आपको मेन जो ट्रेडिशन कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए मैं कर रहा हूँ स्पेशली। हाँ। और बहुत सारे आप मेरा चैनल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको तरह तरह का जो रिचुअल्स होता है, और बहुत सारे नुक्ते को स्पेशली मैं नुक्ते को प्रमोट करने के लिए वो चैनल शुरू किया है। हाँ। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल का नाम रहेगा मेरा नाम ही तंगबंग बंगयांग। तो एक बार आप विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे तरह तरह का कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे। मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मुझे जो है वक्का में विजिट करना, पर वो भी लेंजिंग, मिस्टर लेंजिंग डोमिंग सर, सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे भैया को सपोर्ट कर दीजिए, बहुत आपको जेन्युइन इनका कंटेंट अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, मैं बोलूँगा भी नहीं कि सब्सक्राइब करने को। आप लोग इनका वीडियो बस देखिए, और सब्सक्राइब ना करना करना आपके ऊपर में, अगर अच्छा लगे तो करना, लेकिन डेफिनेटली आप लोग को अच्छा ही लगेगा। ओके, तो चलिए आपके विलेज गक्का वक्का को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। हमारे साइड में जो अभी विलेजेस एरिया होता है आसपास में ना, तो इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि थोड़ा कुछ कुछ जगह में बिल्डिंग होगा, कुछ कुछ जगह में टिन होगा, कुछ कुछ जगह में सीमेंट होगा, ऐसा ना शीशा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा, एकदम ऑथेंटिक वाला ना। ये देखिए, जैसे आप घर को देख सकते हो, तो रास्ता आपको दिखा सकते हैं, रास्ता भी देखिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विलेज है ना, ऐसा ही होना चाहिए। यस, यस, नहीं तो काहे का विलेज, उनका गाँव जो कौन सा में है बोलने से कौन सा टाउन, तो हम लोग पूरा चेंज हो गया, ये नज़ारा मतलब देखने को नहीं मिलता है। तो अभी यहाँ पर आके मुझे भी वही फील हो रहा है कि हाँ ये है असली हमारे यहाँ के गांव, मतलब। हाँ। तो काफ़ी इंटरेस्ट, स्पेशली वक्का जो है बहुत देखने के लिए भी बहुत सुंदर है, बहुत आप इंटरनेट सर्च कीजिए, कहीं से भी आप देख सकते हैं वक्का जो है बहुत सुंदर व्यू यहाँ से आपको मिलता है। दुनिया जो है डेवलप होता जा रहा है। हाँ। लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो घर ये विलेज अभी तो देखो कितना खूबसूरत है ना, इतना ट्रेडिशनल टच के साथ, ये देखिए। बट मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता कि बाद में ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डेवलपमेंट आने से पहले, पूरा सीमेंट बिल्डिंग का घर बनने से पहले, आप लोग यहाँ आ जाइए, और जल्दी जल्दी आ जाइए, नहीं तो फ्यूचर में जाके ये खूबसूरत सा विलेज भी चेंज हो सकता है। और इन भाइयों से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये सभी के सभी मुझे गाइड कर रहे हैं, सभी इसी विलेज के हैं।
तो चलिए पीछे पीछे टीम मेरे भाइयों। और गाइस व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को एक नया प्रोडक्ट जो कि मामाअर्थ ने लॉन्च किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ही इफेक्टिव एंड बेहतरीन है। और वो प्रोडक्ट है उपतन फेशियल किट बाय मामाअर्थ। वैसे भी मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है तांवर सारो, उसका शादी होने वाला है, तो शादी के लिए मतलब ये मैं अप्लाई करके जाऊंगा ताकि मैं शादी में बहुत अच्छा दिखूं। आखिरकार मेरे बेस्ट फ्रेंड का शादी। उपतन एज एन इंग्रेडिएंट हैज बीन यूज्ड बाय आवर मदर्स एंड ग्रैंडमदर्स एज एन एंशिएंट हाउसहोल्ड रेमेडी फॉर अ नेचुरल ग्लोइंग स्किन। उपतन हैज आल्सो बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन एंड फेस्टिव सीजंस फॉर अ नेचुरल ग्लो, यूजुअली अप्लाइड बाय अ ब्राइड एंड ग्रूम टू गेट इट परफेक्ट ग्लो ऑन देयर वेडिंग डे। उपतन प्यूरिफाइज द स्किन एंड गिव्स यू अ नेचुरल ग्लो, दैट्स बिकॉज ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक हल्दी केसर। इजंट दैट अ ड्रीम टू गेट इट परफेक्ट ग्लो एवरी डे एंड दैट टू विदाउट द हैसल्स ऑफ मेकिंग उपतन रेगुलरली? वेल मामाअर्थ उपतन फेशियल किट has come to your rescue. Enriched with the goodness of turmeric and saffron, this facial kit comes with a cleansing milk for a deep cleansing, a face scrub to exfoliate dead skin cells, a soothing gel that hydrates your skin, a massage cream to improve blood circulation, and a face mask to brighten your skin. And finally, end your pampering session at home with the Upton Glow Cream to lock in all that moisture and give you a brighter, smoother, and rejuvenated skin. Aur is apply karna bhi kafi easy hai. Squeeze the cleansing milk on the cotton pad and swipe it across your face and neck. Rinse off. Step 2. Apply the face scrub and massage for 2 to 3 minutes. Rinse it off and pat dry. Step 3. Massage the soothing gel until it's absorbed. Step 4. Gently massage the cream for 5 to 10 minutes. Wipe it off with a damp cloth. Step 5. Apply the face mask for 15 minutes and rinse it off. Step 6. Gently massage the Upton Radiance and Glow Cream all over your face and neck. और इसी के साथ आपका face चमकने के लिए ready है. These are one-time use packs, making them hygienic and convenient to use. तो गाइस आप सभी ने देख ही लिया मामाअर्थ का उपतन फेशियल किट का कमाल, एकदम सैलून जैसा फेशियल ग्लो दे रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सैलून से भी ज्यादा बेटर है। That too with the comfort of sitting at home, आपको सैलून भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे अभी मुझे बहुत मतलब आपको डिफरेंस देख सकते हो खुद से भी कि मेरा स्किन कितना फ्रेश लग रहा है और फेस ग्लो कर रहा है। Whether it is a wedding, festival or any other function, you don't need to think twice before using this facial kit because it is made safe certified, which means it contains no harmful toxins or parabens. Now get ready to have that hashtag shadi wala glow every day and that too from the comfort and convenience of your home. Mamaearth ke jo is Upton facial kit ke jo key deliverables hai wo hai, it brightens your skin tone, removes tan and gently exfoliates. Aur iska jo key ingredient hai turmeric, it contains antioxidants and anti-inflammatory properties that makes skin glow, fight signs of aging and protects from sun damage. Aur iska jo dusra key ingredient hai saffron, it soothes skin and aids in repairing the cells, making the skin radiant. To guys, Mamaearth ke products jo chemical free hote hain, toxin free hote hain, natural ingredients se bane hain. Every time you buy from Mamaearth, Mamaearth aapke order ko link karta hai trees se, and by 2025 Mamaearth wale plan kar rahe hain 1 million trees plant karne ka, jo ki bahut achhi baat hai. Mamaearth recycle more plastic than they use. They now recycle over 240 metric tons of plastics every month. And aapki jankari ke liye bata do ki 1 metric ton is equal to 1000 kilograms. Mamaearth has been awarded PETA ka cruelty free and beauty without bunnies award, which means hamare koi bhi pyare animals hurt nahi hue. तो गाइस अगर आपको मामाअर्थ के बेहतरीन प्रोडक्ट्स 20% ऑफ में खरीदना है तो मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए mamaearth.in और टाइप कीजिए लेंजिंग 2023 विच इज माय कोड। अगर आप इस कोड को टाइप करोगे तो मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 20% ऑफ में मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart एंड Nykaa में भी अवेलेबल है। मैं चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हैं। और मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स आपके आसपास के स्टोर्स या फिर दुकानों में अवेलेबल है, तो आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हो। इन केस अगर आपको दिख जाता है कोई भी मामाअर्थ का प्रोडक्ट तो मुझे जरूर याद करना। मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया जो कि आपको एंड्रॉइड एंड आईओएस में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। हेलो हेलो आंटी। हेलो आंटी ने आंटी तमुल आंटी तमुल कम खाइए, दांत सड़ रहे। जो हेलो आंटी बोला है ना, हाँ। वो हेलो हंसी सुना है ना, तो हेलो हंसी जो है हेलो बदसूर है। ओ इसलिए मुझे बोला हम हंसी। वही वही इसलिए बोला कि हंसी नहीं, हंसी नहीं ना, हंसी मैंने बस आंटी बोला था, हंसी जो बदसूरत को बोलता है ना। हाँ, तो वही उसने वही सुना है ना। ये काफी फनी इंसिडेंट हो गया। हेलो हम आंटी बोला तो उसको हंची सुने दो। हंची हम हंची नहीं। हेलो हाय बोलो। हाय। अब देख सकते हो छत बनाया जा रहा है यहाँ पे और ये अंकल काम कर रहे हैं। शिपी शफो नोयानो हेलो
और गैस आप देख सकते हो ये जो घंटी के जो ऊपर में है ना, ये भालू का जो पंजा है, ये वो है भालू का पंजा है, और ये जो बंदर का सर है, बंदर का स्कल है, और जो कैप है वो टाइगर का। एक बार इधर देखिए ना, ये जो कैप है टाइगर का है वो। और गैस आप देख सकते हो ये है वरांडा, सीधा इसमें ही वरांडा होता है और ऊपर में घर, काफ़ी यूनिक। क्या कर रहा है आप लोग? बहुत अच्छा चीज, कुछ बारूद बना रहा है। ओ, शिकार करने के लिए? हाँ, शिकार करने के लिए। ओ, कैसे बनाता है बारूद? आज है आई मैंने दिखते हुए अन चाक का बा को चारकोल है तो। चारकोल ना, और एक पर्टिकुलर पेड़ रहता है जिसका फ्रूट कहा जाता है, उसको भी हम लोग खाते हैं, आउमा के नाम से है। बहुत तीखा ऐसा रहता है, तो उसका चारकोल है, उसको खुदाई हो रहा है, तो उससे बारूद बनता है। उससे भी और बाकी सारा कुछ चीज और भी कुछ डालेगा ना। ओके, वाओ। और ये बारूद जो है लड़कियां नहीं खोदता है, इसको लड़के ही खोदते हैं। ये लड़के हम जो का करो ना, चम दिन तुझे देखेगा और जो यहाँ का लैंडस्केप है काफ़ी यूनिक, काफ़ी खूबसूरत। गाइस काफ़ी चढ़ाई है, हम बहुत ज़्यादा चढ़ के आ चुके हैं, और पता नहीं लोग यहाँ पे घर इतना भारी भारी लकड़ी लेके कैसे काम वाम करते हैं, घर वर कैसे बनाते हैं। ये व्यू पॉइंट, और ये है व्यू पॉइंट, ये इसी घर का, इसी मोरंग का, मोरंग है ना ये ना, ये मोरंग का व्यू पॉइंट है यहाँ पे। ये पा है तो झाड़ू सुखाया गया है। तो कैसा भी हम आपको मोरंग के अंदर भी लेके जाएंगे, व्यू दिखाया वो देखो पूरा सुंदर सा, ये गक्का विलेज और वो गक्का टाउन, और उस पहाड़ी के पीछे है म्यांमार, और यहाँ पे हम इंडियन लोग। तो गाइस यहाँ पे फोटोग्राफी फोटोग्राफी होगा, क्योंकि ये जगह बस एक जगह नहीं है, दिस प्लेस इज़ एन इमोशन जिसका मुझे मेमोरीज कैप्चर करके जाना है, क्योंकि ये बार बार इस जगह ऐसे ब्लेस्ड जगहों पे आने का मौका नहीं मिलता ना, इसलिए आप लोग भी आइएगा। और गाइस मैं सच में बता रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं ना, सोशलाइज के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। आप विलेज को देख सकते हो, खूबसूरत विलेज में खूबसूरत सा टैलेंट देखो। चलो एक बार कुछ अपना टैलेंट दिखाया जाए। थैंक यू सो मच ब्रदर, शर्माते हुए। ज़्यादातर मतलब ये
फर ही इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी ये एरिया के ये कॉलोनी पे जितने भी मेल हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जितने भी लड़के हैं, यहीं पे आके यहीं से बातचीत होगा, यहाँ पे फैसला होगा, यहाँ पे कुछ कुछ मतलब अपना कॉलोनी के लिए अपना मोरंग पे तो छह मोरंग है टोटल। हाँ टोटल मोरंग, उसमें से एक मोरंग है। और ये जो हमारा वांचू में सबसे खास बात जो आपको देखने मिलेगा हमारे वांचू कम्युनिटी में ये है कि लॉकडाउन ये रिसेंटली लाया हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? खम खम। यस इंग्लिश में लॉकड्रम। हाँ यस एल ओ जी ड्रम लॉकड्रम। ओके तो ये दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट लॉन्गेस्ट मतलब बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इसको पूरी दुनिया में मतलब इंटरनेशनल लेवल में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसको इंस्ट्रूमेंट में काउंट करते हैं ना? इंस्ट्रूमेंट में काउंट करते हैं। इसको इसको कौन सा ओकेजन में बजाता है? इसको मतलब हर ओकेजन में जैसे कि आप फेस्टिवल समय में इसको बजाया जाता है या कुछ काइंड ऑफ इमरजेंसी केसेस में बजाया जाता है। तो आजकल तो हम लोग केवल फेस्टिवल और कुछ 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 पर्टिकुलर दिनों में हम लोग इसको बजाते हैं। लेकिन पहले जब कुछ जमाना में कुछ युग में जब हम ऐसे नहीं थे उस वक्त उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था। पर आज भी हम इसे पूछते हैं मानते हैं और आज भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके अब जहाँ तक मेरे नॉलेज में जैसे गिटार में होल होता है ना वैसे यहाँ पे भी होल है और ये सभी डंडिया से बजाते हैं और जब हम बजाएंगे तो इसमें जो आवाज़ निकलेगा वो यहाँ अंदर जाएगा और अंदर से प्रोड्यूस होते हुए जाते 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 हुए यहाँ से निकलेगा आवाज़ जो क्योंकि उस साइड वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना वो वहाँ से ब्लॉक है तो यहाँ से वो निकलता है साउंड निकलता है तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको है ना। आप लोग का थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और अभी हम थोड़ा सा या आप लोग का टाउन का आसपास में घूम के हम भी निकल जाएगा तो आप लोग भी अच्छे से हंसी खुशी रहिए। बाय बाय टेक केयर। बाय 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 सभी को बाय बाय। क्या बोलता था इसको और ये है जहाँ पे मैं हूँ ये बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है और ऊपर में ये है वक्का का टाउन एरिया मार्केट एरिया। ये सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी मुझसे मिल रहे हैं मेरे साथ फ़ोटो खींचा बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी वीडियो ख़त्म होने वाला है अभी हम व्यू पॉइंट देखने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? काला पत्थर काला पहाड़ देखने जाएंगे। रास्ता ख़राब है इससे अच्छा रास्ता आपको नहीं मिलेगा मतलब इतना इंटीरियर बोलिए फिर भी ना और गाइस पहले मेरा बाइक का चेन भी बहुत लूज था तो इन भाई ने मेरे चेन को टाइट किया है तो थैंक यू सो मच आप लोगों को ना इतना ज़्यादा मदद किया आप लोगों ने थैंक यू सो मच। और जाते जाते असम ब्रो तंगमंग ब्रो आप भी आगे आ जाइए। पीछे में जितने भी लोग हैं सभी मेरे गाइड लोग हैं इतने सारे गाइड और ये जो तीन गाइड और तीन दोस्त और तीन भाई कह सकते हो तो बहुत ज़्यादा मदद की इन्होंने। तंगबंग बागियांग एवरीवन और असम एवरीवन और फोगिंग मैंने तीनों का जो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीनों की तीनों मेहनत है यूट्यूबर्स है और तीनों की तीनों इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एक ये तिराप डिस्ट्रिक्ट से और ये दोनों लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से। तो इनका जो मैंने जैसे पहले बताया कि इनका जो कल्चर है बहुत ही यूनिक है ट्रेडिशन। तो अगर इनके ट्रेडिशन के बारे और जानना है और डीप रूट में जाना तो इनके वीडियोज़ को देखिए, यहाँ पर विजिट करने आइए, इनसे मिलिए, ये लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे, दोस्ती करेंगे। तो इनको सपोर्ट कर दीजिएगा। मैं अपने लेंजिंग वीकली फैमिली को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और लोंगडिंग और लोंगवा और ये म्यांमार बॉर्डर जो है ना यहाँ पे तो ज़रूर घूमने आइएगा। तो थैंक यू ना आप लोग को मिलते रहेंगे फिर से वापस। ये तो हमारा लास्ट मुलाकात नहीं है इन दोनों के इनके साथ पहला मुलाकात है इनके साथ दूसरा मुलाकात और इनके साथ बहुत बार मुलाकात हो चुका है। तो हम और भी मिलते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे हम चारों। क्या जगह यार ना खूबसूरत। ट्विंग ट्विंग काला पत्थर काला पहाड़ वो काला पहाड़ गन्ने इधर क्या पे यार गन्ने। ओह माय गॉड व्हाट इज हेल्पर चाहिए ना लेकिन हम दोनों को तो यार तो कहने वाले में आ गया इसका वीडियो भी यहां बनेगा।
यहाँ बैठ के कलवट में बैठने से भी हो, यहाँ जहाँ में यहाँ में भी बैठ सकते हैं बाइक में, जस्ट खड़ा होके ये वो मतलब। लेकिन और गाइस अभी भी इस खूबसूरत से जगह में हम दोनों ने अभी हमारा इंटरव्यू वीडियो बनाया है, तो इनके चैनल में डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको वो इंटरव्यू वीडियो देखना है तो इनके चैनल को, इनके चैनल में जाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए लगे हाथों। तो गाइस आज आपने जितना भी देखा वो लास्ट एपिसोड था, ये जो मेरा लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट का, और जो मैं लोंगा गया था, म्यांमार के अंदर थोड़ा बहुत घुसा था, खांगमोय विलेज में घुसा था, तो वो सब का जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए काफ़ी यूनिक था और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसलिए वो चीज़ अगर आपको एक्सपीरियंस करना तो आपको यहाँ पे खुद आना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था, बट इस बार मेरे बॉडी ने उतना साथ नहीं दिया, बहुत ज़्यादा थके से ले एकदम, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया इस बार, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे पेट में। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा अंदर से कोई पेट को ऐसे स्क्वीज़ करना ना, ऐसा एकदम पेट भंगी से ले वाला फीलिंग आ रहा है हमको ना, तो बहुत वो है। बट स्टिल अब मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यहाँ का जो मैंने एक सबसे यूनिक चीज़ मुझे इस बार पता चला कि बिना पानी के भी चावल उगता है, तो झूम कल्टिवेशन होता है यहाँ पे पहाड़ों में। यहाँ का जो खेती है, पहले आपने वीडियो में देखा था ना, तो जो वो खेत है उसी में बिना पानी के चावल उगता है। तो टेस्ट थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेस्ट में, टेस्ट थोड़ा सा अलग है। तो बहुत और भी ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको भी एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आइए। और लोग तो अच्छे हैं ही, प्लस अभी मैं यहाँ पे तीसा में रेस्ट कर रहा हूँ, तंगमंग भैया के दोस्त के घर में, तो अभी यहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स होऊंगा एंड कल वापस आराम से जाऊंगा। और अभी मैं अपना रेस्टोरेंट भी शुरू करने वाला हूँ, तो रेस्टोरेंट भी बन के कम्प्लीट है, बस शेफ़ का वेट कर रहा हूँ, शेफ़ भी आने वाला है, शेफ़ नहीं मिला तो इसलिए रेस्टोरेंट खोलने में बहुत लेट हो गया, तभी वो भी आएंगे, तो साथ में हम लोग मिलके रेस्टोरेंट भी खोलेंगे, उसके बाद आपको रेस्टोरेंट का अपडेट देंगे, प्लस मेरा जो बिल्डिंग बन रहा है उसका भी अपडेट देते रहेंगे। उसके बाद फिर मेरा ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगा थोड़ा, लेकिन एक महीने तक तो मुझे रेस्टोरेंट संभालना पड़ेगा क्योंकि नया नया है ना। तो आप लोग प्यार देते रहिएगा अपने इस प्यारे से रेजिंग को। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।